नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ टीवी न्यूज। लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजने के बाद सभी पार्टी दल के लोग अपने अपने तरीकों से अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की तैयारी में लग चुके हैं। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कपिल पाटिल जी के महायुति के जो कार्यकर्ता हैं, जैसे कि हम आपको बता दें कि RPI के भिवंडी शहर अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़ जी से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि RPI के जो युति के द्वारा भाजपा के जो कपिल पाटिल जी हैं उन्हें लोग क्यों मत दें। सर, सबसे पहले तो जनता की आवाज़ TV न्यूज में आपका स्वागत है। इस महायुति के गठबंधन को जो उम्मीदवार हैं कपिल पाटिल जी, उनको लोग वोट क्यों दें? छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, इस देश के लिए जो जो लोगों ने अपनी जान गंवाई उनको सबको मेरा सलाम। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भिवंडी मतलब ऑल इंडिया है, सारे भिवंडी वालियों को एक तो इलेक्शन की मैं शुभकामना देना चाहूँगा, क्योंकि 53-60 साल में या 65 साल में कांग्रेस ने जो राज किया, ये देश को लूटा, देश का सत्यानाश किया, और बोलते हैं कि मोदी को बोल रहे हैं कि चौकीदार चोर है, ये बात गलत है, क्योंकि 65 साल राज तुमने किया, तुमने चोरी की, उसके लिए आज मोदी को चौकीदारी करना पड़ा है। वो चौकीदार चोर नहीं है, वो चौकीदारी कर रहा है आपके लिए। और जैसे बोलते हैं कि गए बार मोदी जी बोले थे कि 56 इंच की छाती हमारी है, 56 नहीं है, 5 साल में बढ़ गई, अभी 60 इंच की हो गई है। कांग्रेस वाले को उनको समझना चाहिए। मैं समझता हूँ मोदी को हराने के लिए 53 बाइट 1 हो गई है, क्या जरूरत थी इतनी, इतना मोदी डरता है मोदी के लिए तुम? बात ऐसा है कि 56 बाइट 1 हो गए हराने के लिए, अब तुम सुने होगे अली बाबा और 40 चोर, 53 चोर और अली बाबा मोदी साहब बेचारे क्या करेंगे, फिर भी इन चोरों से लड़ रही है। खुद कुछ सब चोरी करके बोलते हैं कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, कपिल पाटिल ने पूरा भिवंडी का इतना काम किया, अभी रोड का काम चल रहा है। ट्रैफिक क्यों जाम है? ट्रैफिक इसलिए जाम है कि रोड का काम चालू है, सीमेंट कॉन्क्रीट काम चालू है और ब्रिज काम चालू है, हर गली में रोड काम चालू है। कांग्रेस वाले लोग का मानना है कि उनके कार्यकारिणी में ये पूरा सेशन हुआ है, इसके बाद BJP सिर्फ नारियल फोड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अब उनके दावे के लिए बोल सकती है, वो दावा कर रहे गलत है। भिवंडी वाले कपिल पाटिल से और हमसे वो मंत्रालय का चिट्ठा मांगे, हम लिखित दे देंगे हमने क्या काम किया, उन लोग काम क्या किया है। और कांग्रेस वाले जो पाकिस्तान पे अपने सैनिकों ने अटैक किया, तो वो लोग तो उन पर शक खा रहे, बोल रहे कि ये उन्होंने किया ही नहीं, किया नहीं, किया नहीं। अरे तुम जो देश के लोग अपने वहाँ बॉर्डर पे जागते रात दिन अपने लिए, तब यहाँ जाके सुख सोते अपन, तुम उन पर शंका खा रहे हो। आप जानते होंगे गए बार पाकिस्तान के राजनीतिक लोगों ने उनके सेना पे आरोप लगाया था, तो तभी के वहाँ के सेना प्रमुख परवेज मुशरफ, उसने इनको तंग आके पूरी सत्ता हाथ में ली थी। आज सब ऐसे तहत हो गए वहाँ पे, अब ये समझते हैं कि हमारी सत्ता आएगी नहीं कांग्रेस की, फिर से मोदी की आएगी, तो ये सैनिक को भड़काओ और सैनिक पूरा राज हाथ में लेगी और वो राज करेंगे, बाहर चले जाएंगे, ये हिसाब से वो सैनिक को भड़का रहे, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे में देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कपिल पाटिल, उनके समक्ष और आप RPI के भिवंडी शहर अध्यक्ष हैं, आपके उम्मीदवार के समक्ष वंचित बहुजन अघाड़ी भी, जो कि देखा जाए वो उसमें भी काफ़ी मतलब आपके समाज के लोग हैं, तो क्या कपिल पाटिल को वोट बैलेंस में कुछ फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, प्रकाश अम्बेडकर जी बाबा साहब के एकदम पोते हैं, हम भी चाहते हैं कि अगर वो भिवंडी में खड़े होते तो उनका हम पूरा दलित काम करते, क्योंकि हमारा खून है, हमारे मसीहा के वो बेटे हो, उनके लिए हम रात दिन काम करते, हम कपिल पाटिल काम नहीं करते, सीधा बोलते कि भाई प्रकाश अम्बेडकर यहाँ खड़े हैं, हम नहीं काम करेंगे। सोलापुर में बाला साहब अम्बेडकर खड़े थे, हमको फ़ोन आया वहाँ से क्या करना चाहिए, हमने बोला सबका छोड़ो तुम उनका ही काम करो, एक दो सीट गई वांदा नहीं हमको, बाला साहब खड़े उनसे गद्दार नहीं करना हमको। लेकिन यहाँ पर जो खड़े जो सावंत उनका नाम है, जो कुनबी समाज के है, उनको कोई पहचानता नहीं है, उनका क्या पहचान है बोलो ना। वो बोलते मैं साइंटिस्ट हूँ, सिख हम मानते हैं साइंटिस्ट देश में, हम उनको मान देते हैं, भिवंडी में क्या उनका है। अब देखो भारिप के 2-4 शाखा छोड़े तो हमारी 77 शाखा हमारे RPI की है, और जो लोगों ने काम किया उनके पीछे रहेंगे हम। मैं उनको ऐलान करता हूँ, जो चुन के आने वाली सीट है तो उनको ही वोट करो, अब तो आघाड़ी को करेंगे तुम्हारा वोट फुकट जाएगा। मैं समझता हूँ जिस कुएं में पानी है उसमें उड़ी मारो तो तैरना मज़ा आएगा, जिस कुएं में पानी नहीं है वहाँ तुम उड़ी मार के अपने हाथ पर तोड़ लोगे, मतलब क्या है।
लेकिन देखा जाए, आपने कहा कि बाड़ा साहब का आप मान सम्मान करते हैं, तो बाड़ा साहब ने ही अपने नेतृत्व में उन्हें टिकट दिया है, तो ऐसे में आप काम नहीं कर रहे थे, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। देखिए, बाला साहब अम्बेडकर हमारी जान है, लेकिन वो आघाड़ी बनाइए, किसकी आघाड़ी बनाइए, वो आघाड़ी बनाते रामदास आठौले, जोगिंदर कवाड़े, नाना इंदी से राजेंद्र गवई, जितनी हमारी पार्टी उनको और साथ में लेके आघाड़ी बनाते, तो उसको आघाड़ी है। अश्रुद्धन ओशी वो अपने देश को मानने तैयार नहीं है, खाली बाबा साहब का बात करके लोग को भड़काता है और प्रकाश अम्बेडकर साहब को नज़दीक लिया है। वो बोलते हैं कि ये मेरे बड़े भाई है, इन एक बार इनको चुन के दो। और 96 में चार खासदार हमारे आए थे, तब चुन के दिया ही था ना। अभी तुम लोग को भावनिक बना रहे हो, भावनिक मत बनाओ। यहाँ की जनता होशियार है, लोग समझते हैं कि किसको वोट देना किसको नहीं है, लोग काम पे देखते हैं। अब ये मुस्लिम मोहल्ला हमारा है, मैं गए बार चुन के देता, उन्होंने मेरे को आधा वोट दिया था। अभी बीजेपी के खिलाफ लोग बोलते हैं मुस्लिम खिलाफ है बीजेपी के, कैसे भाई क्यों? हमको यहाँ से गए बार 1300 वोट मिले, इनके जान पे नगर से बोल के हम नाच रहे यहाँ पे। आज पूरा मुसलमान पीछे है, कुछ गिने चुने होते हैं वो साथ में नहीं होंगे। आहिस्ता आहिस्ता कपिल पाटिल का जो काम समझ में आएगा वो भी हमारे साथ में होंगे। कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के जो खासदार है कपिल पाटिल, उन्होंने शहर में काम नहीं किया, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं ये भी सवाल है। देखो भाई, उनको चुन के आना है और लोग को गुमराह करके, लोग को चुतिया बना के, लेकिन भिवंडी के आम जन दिख रही जनता पूरा कि अमृत योजना से लेके डेनिश लाइन से लेके सब बंद पड़ा था उनके राज्य में। अरे 47 नगर से उनके है, और उनको सुरेश टावरे साहब अपने अच्छे मित्र खासदार पहले थे, उनको छोड़ के बाले हमारे साथ भाग रहे थे, वो खुद ही गद्दारी कर रहे हैं उनके साथ में। अब हम तो बीजेपी वाले आरपीआई वाले हैं, शिवसेना वाले हमको बोलेंगे, गए बार बोले वो शिवसेना और बीजेपी कैसे एक हो गई। अरे हमारे घर का झगड़ा था, भाई भाई का, खत्म हो गया, हम एक हो गए, तुमको तकलीफ क्या उसके अंदर है? ये तुम्हारा कहना क्या था बीजेपी शिवसेना झगड़ा करना चाहिए था और हमारा बोले कि रोटी सेक जाएगी हम, ऐसा ये होता है ऐसा? अरे भाई भाई का झगड़ा कभी तो मिटना चाहिए, मिट गया है, तुमको क्यों दुख हो रहा है? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखा जाए, मैं 2 दिन बचे हैं, मतदाताओं से किस तरह का मत का अपील करेंगे? कि जनता को हम अपील करेंगे, हमने काम किया है तो हमको वोट दो, हमने काम किया ना तो मत दो। हमने काम किया है, हम दावे साथ कहते हैं, क्योंकि हमारे पास मंत्रालय से लेके खासदार लेटर जो अपना भारत इंडिया अपना जो प्रधानमंत्री है उनके भी लेटर जो काम पास किया हुआ सब पढ़ा। अरे कल खुद मुख्यमंत्री बोले कि 2800 करोड़ रुपया खर्चा किया इन्होंने ये भिवंडी में, तो ये क्या झूठ है? मुख्यमंत्री को झूठ बोलेगा? और रामदास आठौले साहब जिसके साथ में रहते उसकी सत्ता आती है, हम लोग 21 साल राष्ट्रवादी कांग्रेस साथ में थे, उनकी सत्ता ही थी। आप गए बार बीजेपी साथ में थे, बीजेपी शिवसेना साथ में, और हमारी सत्ता है आज भी, हम इनके साथ में ही है सत्ता की। रामदास आठौले आठौले, सोएंगे तो आठौले, जागेंगे तो आठौले, काम करेंगे तो आठौले, मैयत पे आठौले, बारसे में आठौले, हर जगह आठौले, सोते नहीं वो, रात दिन आठौले। मराठी में कहते हैं आठौले मतलब याद, आठौले मतलब सगळ्यांना आठवलेची आठवण येते, ऐसा आठवले है और उनका मैं एक नमूना हूँ। और देखो, मैं समझता हूँ अगर दिल्ली में नरेंद्र जी है, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी है, तो हमारे बीजेपी शिवसेना आरपीआई का यहाँ महेंद्र है, जितने हमारे आरपीआई के वोट है सब कपिल पाटिल के झोले में डाल देंगे हम, अच्छा काम करता है। इसके लिए मैं हमारी जनता से अपील करता हूँ कि अपना वोट खराब मत करो, जितने वोट है वो कपिल पाटिल को डाल दो, हम जीत चुके। मोदी जी ने आज बोला है, हमारे आठौले साहब बोलते हैं कि हमको झगड़ा नहीं करना है, आप जितना गाली देना दे दो हमको, हम हमारी गाली लेंगे नहीं, ये झगड़ा मत करो, क्योंकि हमको किसी को हराना नहीं है, हमको जीतना है, इसलिए हम इतना से जीत जाएंगे। लोग का पूरा हमको पूरे मतदार संघ का हमको जाहिर आह्वान करते हैं। और हमारे राज ठाकरे साहब, वाह राजा बाबू क्या बात है, राजा बाबू खाली टोल नाका चेक करते हैं, बड़ी बड़ी तोड़ी पानी करके चुप बैठते हैं। आज शरद पवार का हाथ लेके चल रहे, हमको तुम भ्रष्टाचारी बोलते हो, शरद पवार को बोलते हो तुम तेल लगाया हुआ पहलवान है। अरे अभी तो आयल लगा के मोदी खड़ा है, उसका क्या देखो तुम, तुम्हारे हाथ में नहीं मिलेगी अभी वो तेल लगाया तो अभी आयल लगाया हुआ है। तुम रात दिन यूपी को भगाओ, बिहार को भगाओ, बुलेट ट्रेन वहाँ क्यों गई, यहाँ क्यों गई? अरे बुलेट ट्रेन की जरूरत है अपने को, मेट्रो ट्रेन की जरूरत है अपने को, लंदन में 60 साल पहले बुलेट आई है, शहर में रेलवे स्टेशन की भी जरूरत है, रेलवे की जरूरत है, वही तो कर रहे हैं हम ना। अभी जो स्टेशन नया बांध रहे वो भी कपिल पाटिल के खासदार निधि से बन रहा है, आप जानकारी ले लो। बखारी भाव, ये राज ठाकरे में अगर दम होता तो इलेक्शन क्यों खड़ा नहीं है, उसके लोग क्यों खड़े नहीं है? लोग को गुमराह करता है, चिल्लाता है, नाचता बड़ा बड़ा आ हो करता, लोग डर जाते, क्यों डरेंगे भाई? बाबा साहब ने बोला है इस संविधान का एक ऐसा लेख है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक
भारत का बंदा कहीं भी जाके रह सकता है, कहीं भी टिक सकता है, धंधा कर सकता है। और ये कौन होते हैं हमको भगाने वाले मुंबई से, हमारे यूपी बिहारी लोग को और गुजरात के लोगों को कौन होता भगाने वाला ये? उसके पीछे जब उसने बाला ठाकरे ने आवाज़ दिया था यूपी और बिहारी को हगा लो, तब आठोले साहब ने हमको आह्वान किया था कि हम जितने हमारे यूपी बिहार के लोग उनके पीछे खड़े, हमारे थे पप्पू कलानी आरपीआई के आमदार थे, उनको लेके हम 200 लॉर लेके सबको हम बना दिए थे। तब से हमारे लोग आज भी पीछे हमारे, और वो क्यों भगाएगा? दम है तो इलेक्शन लड़ो, दिखाओ, हारो जीतो, शरद पवार का दाम। तो ये थे हमारे साथ में महेंद्र गायकवाड़ भिवंडी आरपीआई के अध्यक्ष, जिन्होंने अपने वक्तव्य में बड़ी बाखूबी से कहा कि भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के जो महायुति के उम्मीदवार हैं कपिल पाटिल, उनको भारी मतों से जिताएंगे क्योंकि उनके काम को देखकर। अब देखना यह है कि आने वाले 23 मई के दिन भिवंडी शहर के लोकसभा के सांसद के रूप में जनता किसको चुनती है। भिवंडी से संदीप गुप्ता, जनता की आवाज़, टीवी न्यूज। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज। धन्यवाद।